गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। यस अनवित इट्स जंगल। तो अभी हम लोग आए हैं वेताल टिकड़ी। ये एक वॉकिंग या फिर ट्रैकिंग ट्रैक यही समझ लीजिए आप। तो इसके मल्टीपल गेट्स हैं, लेकिन हम लोगों ने लॉ कॉलेज वाले गेट से एंटर किया है। लास्ट ईयर भी आए थे हम लोग यहाँ पे होली के टाइम पे, और फिर लॉकडाउन हो गया था। तो आज फिर से आए हैं और यहाँ पे एक मतलब वॉक करके फिर जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं और अगर वो लोग यहाँ पे आए ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ का दिखाती हूँ कि कैसा कैसा नज़ारा है। गजब की चढ़ाई थी। अनवित तो यहाँ पे रोने लग गया। अनवित को लगा कि हम किसी यहाँ पे फन एक्टिविटी करने के लिए आए हैं। शुरू में तो उसको बहुत शौक लगा कि शायद जंगल सफारी है। उसको लगा कि जंगल है, यहाँ पे एनिमल्स भी होंगे। फिर उसको लगा कि यहाँ पे तो बहुत मेहनत है, यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत है। सब लोग वॉकिंग, ट्रैकिंग और योगा एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहे हैं। इधर भी काफ़ी लोग हैं और उधर भी काफ़ी लोग हैं। देखो ये अंकल यहाँ पे। फाइनली आ गए हम लोग वेताल टिकड़ी से, और अच्छा ट्रैक है वहाँ पे। मतलब पूरा बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है वॉकिंग, और वहाँ पे तो रनिंग भी करते हैं। हम लोगों को थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि अनवित के लिए कुछ फन नहीं था ना, तो काफ़ी परेशान हो रहा था। तो हमने सोचा कि चलो निकलते हैं। आए और आके फटाफट हम लोगों ने शावर लिया, क्योंकि कल भी हमारी सोसाइटी में ना पानी चला गया था, और फिर बाथरूम में बैठ के ना आवाज़ें लगाते रह गए कि पानी ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया। लिटरली कल का डे तो हॉरेबल था, तो इसीलिए सोचा कि सबसे पहले आके शावर लेते हैं। एक्चुअली वीकडेज में मैं बहुत जल्दी शावर ले लेती हूँ, 8:45 तक मेरा हो जाता है। लेकिन वीकेंड ना थोड़ा सा मैं रिलैक्स रखती हूँ, क्योंकि फिर वीकेंड वीकेंड जैसा नहीं लगता। इसलिए वीकेंड पे थोड़ा लेट शावर लेती हूँ। लेट शावर की ना कल पनिशमेंट मिली, और कैसे बचत करनी है ना कम में, वो असली कल ही अंदाजा हुआ है मेरे पास। इतना सा पानी था बकेट में, और जैसे तैसे मैंने नहाया है क्योंकि पूरे घर में पानी नहीं था। और सोचा कि आज फटाफट नहा लेते हैं, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है कब चला जाए। और बस अभी मैं रेडी होती हूँ। रेडी होने के बाद फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। मम्मी ने इडली और सांभर बनाया है, तो मम्मी बोल रही थी कि वही कि कब तक आओगे तुम। तो हम लोग आ गए हैं एनीवेज, और अभी चलो मैं रेडी होती हूँ और फिर खाते हैं इडली और सांभर। क्योंकि पूरे बॉडी की ना वो इतना अच्छा ट्रैकिंग पाथ है ना, मतलब हर तरीके का वहाँ पे पाथ है, हिल और बम्पी, मतलब बहुत ही अमेजिंग वो पाथ है। मतलब पूरे शरीर की ना एकदम से काया हिल जाती है, और इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं वहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा। वहाँ पे एक फिटनेस ट्रेनर थी जिनसे मेरी बात हुई इनफैक्ट, और उनसे मैंने पूछा कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। और इनफैक्ट वो औंध में रहती हैं और घर आके ट्रेनिंग भी देती हैं, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव लगी मुझे, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो 12 सेशन कुछ तो 15,000 में देती हैं। तो देखती हूँ मैं नंबर वगैरह सब कुछ लेके आई उनका, कि अगर मुझे कॉन्टैक्ट करना हुआ तो मैं मतलब कर लूँगी उनसे। तो चलिए बातें हो गई, बहुत बातों में लगने बैठूँगी ना तो फिर हो गया काम। फटाफट हाथ बढ़ा के काम करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हो गया है, और ये वाला टॉप का कलर प्यारा लग रहा है ना। ये मैंने आपको अपने एजियो हॉल में पता नहीं दिखाया था कि नहीं दिखाया था, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे टॉप्स मेरे डिलीवर्ड हुए थे, और उसके बाद फिर मैं दिखा नहीं पाई, और मेरा मन किया कि आज मैं ये वाला टॉप पहनती हूँ।
तो बहुत टाइम से मैंने इस टाइप का ना पहना नहीं था। इसके पीछे भी दिखाती हूँ आपको, डिज़ाइन है और नीचे मैंने कंफर्टेबल सा प्लाजो पहना है। एकदम गर्मी वाला वेदर हो गया है, मतलब जैसे अभी तक तो क्या था ना फैब में या जैन में, इस समय ना थोड़ा सा मतलब ठंडा ठंडा रहता था ना, अभी क्या है ना एकदम गर्म वाला वेदर हो गया। अभी वो ऑटोमेटिकली ना मतलब ऐसा कुछ ठंडा ठंडा पीने वाली इच्छा होने लगी है। तो बस अभी अभी हम लोगों को निकलना है मेरे ब्लड टेस्ट के लिए, क्योंकि मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे ब्लड टेस्ट कराना है और अभी तक हुए नहीं हैं। 2-3 डॉक्टर रिकमेंड कर चुके हैं कि मुझे ब्लड टेस्ट कराना है, तो सौरभ बोल रहे कि आज टाइम निकाल के वहीं पे चलते हैं। तो बस अभी 12:30 तक लैब ओपन है, अभी हम लोग 5 मिनट रेस्ट करेंगे, अनवित का थोड़ा सेटल डाउन करेंगे, फिर हम लोग होके आएंगे लैब और अनवित के ना शॉर्ट्स वगैरह लेने हैं, वही सब लेने के लिए जाना है। तो अभी हम लोग निकलेंगे और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हमारी लिफ्ट की ना मेंटेनेंस हुई थी और यहाँ पे ना लाइट बहुत ज़्यादा तेज है, तो सौरभ बोल रहे थे ना तुम्हें अपनी वीडियो शूटिंग ना यहीं पे बैठ के कर लेनी चाहिए, तो ऐसे मेरा मजाक बना रहे थे। ये देखिए ब्लॉगर्स को भी ना लोग ऐसे बोलने लगे कि जहाँ पे लाइटिंग हो वहाँ पे वीडियो शूट कर लो। अभी ध्यान दिया कैमरे में, देखिए मैंने इयररिंग्स नहीं पहने, गोल्ड के इयररिंग्स पहन के रखती हूँ ना, तो उसमें यह है कि एक बार पहन दिया और ठीक रहता है, फिर वो निकलते नहीं है। लेकिन ये जो मेरा बदल बदल के पहनने का चक्कर है ना, तो उस चक्कर में मेरा गोल्ड का पहनना नहीं होता और वो जो है वो मैं 2-4 घंटे से ज़्यादा पहन नहीं सकती, तो इस चक्कर में ना मेरे जो कान है ना वो ऐसे ही रहते हैं। तो पहले अच्छा था, मुझे आर्टिफिशियल का उतना शौक नहीं था, गोल्ड ही पहन के रखती थी, 1-2 महीने में चेंज कर लिया दूसरा बस उतना ही। लेकिन अभी जब से मुझे ये इमिटेशंस का शौक लगा है ना, तब से तो बस पूछो मत। इधर सौरभ भी रेडी है, स्कूटर से जाएंगे अभी हम लोग, क्योंकि जल्दी से काम करके आएंगे, अमित को छोड़ के आए ना ऊपर। मेरा फेस पतला हो गया, तो मेरे वाले जो यूके वाले गॉगल्स हैं ना ये भी मेरे फेस के हिसाब से काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये देखो यहाँ पे सौरभ कर रहे हैं सवारी क्लीन, है ना। अरे हम तो ब्लू ब्लू हो गए आज, ब्लू ब्लू हो गए, मैच मैच। चलो भाई अच्छे से साफ कर दो मेरी गाड़ी। फाइनली अभी हम लोग आके बैठे हैं और मतलब आ गए थे आके, एक्चुअली हम लोगों की जो कमोड है ना उसकी सीट टूट गई थी, तो वो लेके आए हैं, वो फिक्स की है। सौरभ ने एसी की सर्विस की है, शॉर्ट सर्विस बुलाना पड़ेगा सर्विस वालों को एसी की सर्विस के लिए। हाँ क्योंकि सौरभ ने फुल सर्विस कर दिया, वो देखिए ऊपर ओपन है हमारा एसी, तो ऐसे सौरभ ने पैसे बचा लिए अपने सर्विसिंग के, सर्विस करके एसी का, है ना। मैं लेके आई बना के काला खट्टा, अनमित के कपड़े आ गए हैं और मस्त वाले, मैं लेने तो अंडर पैंट्स गई थी, लेकिन अब बच्चे के कपड़े लेने जाओ ना कुछ और एक्स्ट्रा पसंद आ ही जाता है, तो काला खट्टा बना के लेके आई हूँ। आज ना ये सिरप मंगाया था मैंने और मस्त रिफ्रेशिंग से ड्रिंक बनाई, क्योंकि अभी ना एकदम से ऐसा लगने लगा कि कितनी गर्मी आ गई है। पापा मम्मी को दे दिया है, वो बाहर इंजॉय कर रहे हैं अपने भजन के साथ, हम लोग लगाएंगे मूवी रात अकेले। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की रिव्यू काफी अच्छे सुने हैं नेटफ्लिक्स पे है, वो अभी वो एंजॉय करेंगे। तो ये तक था अभी का अपडेट, मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ, मुझे आने के बाद ना मिसलेनियस चीजें चलते रही, क्योंकि सोचा कि काम निपटा देते हैं और सब कुछ अभी हो गया है, अभी आराम से एंजॉय करेंगे थोड़ा और चाहिए। अब तुम अपना तो पियो तुमने, मैं स्लोली स्लोली पीती हूँ, ये फास्ट पीते हैं।
मैंने दूंगी अपना फाइनली एक मूवी ख़त्म की, रात अकेली है और दूसरी सीरीज शुरू की। शी अच्छी लग रही है और मैंने अभी सौरभ को बोला। इस बीच में हम लोगों के बहुत सारे काम कर लिए हम लोगों ने सीरीज देख देखते। मैंने बहुत दिन से नेल पेंट चेंज नहीं किया था तो मैंने नेल पेंट चेंज कर लिया और बीच में सौरभ ने वापस एसी का जो सौरभ ने अपनी फिजूल खर्ची आज बचाई ना वो सौरभ ने अपनी एसी का काम कर लिया और ऐसे दो तीन काम और बीच में हम लोगों ने आज मैगी खाने का मन था तो वो सीरीज देखते देखते आज एकदम जो रूटीन था ना वो जो पहले ग्लासगो में करते थे तो वैसा वाला कुछ लग रहा था। लेकिन अभी मैंने सौरभ को बोला कि अभी निकलते हैं क्योंकि अगर शाम को ऐसे बाहर नहीं निकलो ना तो फ्रेश अप नहीं लगता है। और दूसरा ये कि मुझे स्टेशनरी की एक दो चीज़ें रिटर्न करनी है, थोड़ा वो गलत आ गई हैं और यही कुछ एक दो काम है, नर्सरी होके आना है तो ये काम करके लेके आते हैं क्योंकि सीरीज का चस्का इतना ज़्यादा है। मन तो कर रहा था कि छोड़ो क्या करेंगे जाके, लेकिन फिर बाद में ना जब डे एंड होता है ना तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ किया नहीं है और मंडे शुरू भी हो गया तो इसीलिए मन को तोड़ते हुए हम लोग अभी निकले हैं और फिर वो काम करके लेके आते हैं। कल मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया, कल ऐसे ही करी थी, लेकिन आज का व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि लास्ट वीक मैंने ऑर्गेनाइजेशन टिप्स शेयर किए थे। ऐसे ही कुछ एक दो DIY का वीडियो शेयर किया था, उसमें कुछ लोगों ने बोला कि आपके व्लॉग्स तो आए नहीं, तो अगर ऐसी वीडियो मैं शेयर करती हूँ ना तो भी लोग बोलते कि मतलब व्लॉग्स आए नहीं हैं, तो वो भी फिर वीडियो ही होती है। और अगर किसी ने मेरी ऑर्गेनाइजेशन टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी ना तो आप लोग वो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे अपना जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर किया है और आप में से बहुत लोगों को वो पसंद आए हैं और आप लोग अगर नहीं देखा ना तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना कुछ ऐसे काम निपटा के आते हैं, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और व्लॉग का करूँगी फिर। फाइनली आ गए हैं हम लोग और आज सारे जो प्लान्स हैं ना वो रैंडम प्लान्स हुए। एक्चुअली यहाँ से हम लोग निकले तो सौरभ का प्लान हो गया कि CCD चलते हैं और CCD के सामने से निकल रहे थे। गर्मी आज पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, तो वो CCD का हम लोगों को वनीला लाते हैं बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो पी के आते हैं, तो वो पीने के लिए बैठे। वहाँ से जैसे निकल रहे थे पास में ही एक ऐसे छोटा सा वो हैंडक्राफ्ट और होम डेकोर से रिलेटेड एक मार्केट लगा हुआ था तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। तो मैंने सबको बोला कि बस मैं एक नज़र मार के आती हूँ कि यहाँ पे क्या 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 चीज़ें हैं और बस 2 मिनट में गई और आ गई। लेकिन वहाँ पे तो सर ने बोला तुम 2 मिनट में नहीं आओगी, मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊँगी 2 मिनट में, बस मुझे देख के आना है जो चीज़ मुझे देखनी है। लेकिन वहाँ पे मैं गई तो वो चीज़ें देखने के चक्कर में ना फिर मैं लेके भी आई और कुछ छोटे छोटे शोपीस हैं और एक सुंदर सा शोपीस है जो मैं लेके आई हूँ, तो अगर टाइम रहेगा तो अभी दिखाऊंगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी आपको जो मैंने लास्ट टाइम भी लिए थे ना वो सब भी दिखाने हैं आप लोगों को। तो पुणे की जो लोकल मार्केट से मैंने शॉपिंग किया ना वो सब आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अब। तो ये लिया और फिर हम लोगों को जो मेरा स्टेशनरी का काम था ना वो मैं करके नहीं आई हूँ रिटर्न, तो नेक्स्ट टाइम ही होगा क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। हम लोग बहुत ऐसे निकले थे रैंडम कि बस ये करके आ जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं कैसे ही, लेकिन अगर अटक जाओ तो फिर अटक जाओ। और अभी
बस डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि लेट हो गया है ना काफी, और डिनर प्रिपेयर के बाद वापस अपनी सीरीज शुरू करनी है। थाई करी बनाने वाली हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और रेसिपी ना मैं शेयर कर चुकी हूँ और रिसेंटली 14th February वाले व्लॉग में शेयर किया था। ये देखिए तैयारी मैंने सब कर दी है, तो बस ये मैं डालूंगी। थाई करी सबको इतनी ज्यादा पसंद आई कि वापस डिमांड हुई है, और मम्मी को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, तो वापस डिमांड थी कि थाई करी बनाई जाए, तो सोचा कि बना देती हूँ। फाइनली डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है, और एक्चुअली क्या ना डिनर करते करते 9 o'clock ही हो गया, और कल जाना है ब्लड टेस्ट के लिए। हम लोग गए थे ना टेस्टिंग के लिए, तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ टेस्ट मतलब ऐसे फास्टिंग में होंगे, तो मुझे लगा कि मैं बार बार ब्लड नहीं दूंगी क्योंकि मुझे वो नीडल से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो कल एक बार ही जाएंगे और एक बार ही में सारा काम हो जाएगा। तो डिटेल टेस्ट है, उसमें विटामिन डी है, B12 है, लिपिड प्रोफाइल है, और एक AN, एक कौन सा पैनल है सौरभ, AN पैनल, ANC पैनल है, कंप्लीट पैकेज है। तो कुछ तो नियर अबाउट 7000 के आसपास का पूरा पैकेज बना है, और वो जाना है कल ब्लड टेस्ट कराने के लिए। तो चलिए आज का जो सिंपल सा सादा सा सुबह से रात तक का चिट चैट वाला व्लॉग मैं आज आपके साथ यहीं पे फिनिश करती हूँ। आई होप कि थोड़ा भी पसंद आया हो, तो इसको लाइक किए बिना जाना नहीं। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय, टेक केयर, बाय।